हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल अजिंक्य। बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा हो, थैंक्स टू यू गाइज। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस डाले थे एंड ऊपर से मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत सारी अपनी ढेर सारी विशेस मुझे लिख के भेजी है। थोड़ा संभालना पड़ता है। तो गाइज थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस एंड थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि इतने सारे लोग हैं अभी जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे अच्छे से अच्छे हेल्थ हो जाए मेरी, इसके लिए मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। गाइज सच में आप सब लोग एक फैमिली हो मेरी, एक ताकत हो मेरी, जिससे मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो क्या करना है अपने चैनल के ऊपर, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच में था कि यार क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, घर पर बैठ के क्या वीडियो बना सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना क्यू एंड ए सेशन किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर की वजह से आपको अपने सब्सक्राइबर को बहुत अच्छे से जानने का मौका मिलता है और सब्सक्राइबर को आपको जानने का बहुत अच्छे से मौका मिलता है। तो इसीलिए क्यू एंड ए सेशन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब चैनल के लिए, एक यूट्यूब क्रिएटर मेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर के लिए आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए। सो गाइस क्वेश्चन एंड आंसर के रिगार्डिंग मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली थी कि गाइस आस्क मी एनीथिंग यू वांट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। जो भी कुछ छोटे मोटे लाइफ में मेरे अपडेट रहते हैं वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ। यस मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि गाइज मुझे लगता है अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ डालना है तो, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी, तो वो क्वालिटी चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, कोई फोटोज नहीं निकाल रहा हूँ, तो जस्ट ऐसे ही घर पे बैठे बैठे फोटोज निकाल के इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करने में मुझे मजा नहीं आता। सो दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा पोस्ट या फिर स्टोरीज में एक्टिव नहीं रहता। बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हो पर्सनली, तो 101% मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ये चांसेस रहते। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे जाके मुझे आप फॉलो कीजिए। एंड यस ये राजस्थान का वीडियो चालू है, एक बैकग्राउंड मैंने रखा है एक अलग फ्रेम देने के लिए, क्योंकि घर में बैठ के हमेशा वही फ्रेम रहती है, तो ये टाइम सोचा कुछ अलग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। एंड यस ये सब सेटअप एक ही हाथ से किया है। तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए उसके लिए। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं क्यू एंड ए सेशन अपने चैनल के ऊपर। आई गेस ये सेकेंड क्यू एंड ए सेशन है अपने चैनल के ऊपर, तो लेट्स स्टार्ट विथ। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा पलक जी का। तो पलक जी कहते हैं कि हाउ डिड यू मीट फया सुल्तान भाई एंड व्हाट अबाउट मीटअप ऑफ योर सब्सक्राइबर्स एंड टेक केयर गेट वेल सून। तो पलक जी फयाज भाई को मैं कब से जानता हूँ, आई गेस फयाज भाई को मैं अराउंड यस जब भी मेरी लद्दाख की राइड बनी थी, यस लद्दाख की राइड जो मैंने लास्ट ईयर की थी, तो वो राइड के लिए एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट द रूट, क्योंकि जब भी कोई राइड पे आपको जाना रहता है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो राइड के बारे में आपको होनी चाहिए, कौन सा रूट लेना है, किधर जाना है, क्या करना है। सो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर सर्च किया था कि क्या करना चाहिए, कौन से प्लेसेस है जो विजिट करना ही चाहिए, बट फिर भी मुझे एक प्रॉपर जो मैप रहता है ना वो मिल नहीं रहा था। तो दैट टाइम फयाज भाई का और हमारा एक ग्रुप है ऑल द मोटो ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया, मोटो ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया ऐसे ग्रुप है जिसके एडमिन है फयाज भाई, तो वो ग्रुप में भी मैं था। वो टाइम पे मेरा कुछ आई गेस अराउंड 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे एंड फयाज भाई के मेरे से ज़्यादा ही थे सब्सक्राइबर। बट जब भी मैंने फयाज भाई को कॉल किया तो गाइज सच में बोलता हूँ एक भाई वाली जो फीलिंग है ना वो रहती है, वो आ गई। उन्होंने मुझे बैठ के 12:30 से 3:30 आई गेस 3:30 या 2:30 बजे तक रात के अराउंड 3 घंटा मुझे उन्होंने पूरा एक मैप पेन एंड पेपर के साथ मैंने लिख के लिया उनसे। एंड उसकी वजह से जो लद्दाख ट्रिप है मेरा वो टाइम पे मुझे कोई भी इशू नहीं आया रूट के बारे में, क्योंकि मुझे हर एक रूट पता था। तो वो टाइम से मैं फयाज भाई को जानता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है पलक जी रिगार्डिंग द सब्सक्राइबर राइट, तो सब्सक्राइबर राइट्स मैं करते ही रहता हूँ, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपडेट कर देता हूँ कि भाई लोग मैं इधर इधर जाने वाला हूँ, तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। जैसे ही मेरा ये अंगूठा ठीक हो जाएगा फिर से मैं एक सब्सक्राइबर राइड करने के बारे में सोच रहा हूँ। सब्सक्राइबर राइड नहीं रहती, वो फ्रेंड्स राइड रहती है, मैं उसे फ्रेंड्स राइड कहलाता हूँ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अभी मैं लेना चाहूँगा आई एम निहाल एम का। तो निहाल भाई का क्वेश्चन है जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड और मोटिवेटेड। तो मैंने ये चीज़ के बारे में उनको पूछा कि निहाल जी लॉन्ग राइड में कैसे मोटिवेटेड रखता हो या फिर लाइफ में कैसे मोटिवेटेड रहता हो। तो उन्होंने बोला भाई एवरीथिंग, आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो बस मुझे उतना जानना है। तो निहाल भाई लॉन्ग राइड के लिए पता नहीं आप कितने अभी तक आपने लॉन्ग राइड की है या फिर कैसा है, बट मेरे साथ ऐसा है कि जब तक मैं लॉन्ग राइड, मतलब लॉन्ग राइड इन द सेंस गाइस 600 और 700 किलोमीटर प्लस, ठीक है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब लॉन्ग राइड रहती है ना तो अंदर से एक यू नो एड्रेनल रश रहता है कि मुझे इतने इतने देर में इतने इतने किलोमीटर करने हैं।
तो वो एक चीज है जो मुझे मोटिवेट रखती है। सेकेंड चीज, जो आपका डेस्टिनेशन है आपके माइंड में सेट है, अभी सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज मुंबई आगरा, ठीक है, तो आगरा है अराउंड 1400 या 1200 किलोमीटर फ्रॉम द मुंबई, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो चल रहा है 1400 किलोमीटर, एंड आप जब स्टार्ट करते हो आप प्रॉपरली गाड़ी चलाते हो, और जैसे जैसे वो किलोमीटर्स कम हो जाते हैं ना, 1400 का हो जाता है 1000, 1000 का हो जाता है 600, 600 का हो जाता है 200, मतलब वो जो किलोमीटर्स गिरते हैं ना आंखों के सामने आपके, कि भाई सुबह इतना था अभी इतना है, तो वो एक हंगर हो जाती है और आपको वो किलोमीटर्स को खाना होता है। ये तो भाई मेरे साथ होता है, तो इसी तरह से मैं खुद को मोटिवेटेड रखता हूँ। जैसे जैसे किलोमीटर्स कम होते जाते हैं उससे मुझे और हैप्पीनेस आती रहती है कि मैं ये कब खत्म करूंगा, कब ये 1400 की मैं वाट लगा दूंगा और वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो बस लॉन्ग राइड में ऐसे ही खुद को मोटिवेटेड रखता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ जब भी गाड़ी चला रहा हूँ तभी, एंड यस पूरे रास्ते के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तो ऐसे मोटिवेट रखता हूँ मैं अपने आप को लॉन्ग राइड्स के ऊपर। एंड लाइफ में गाइज कभी भी निगेटिव मत सोचा करो, जो भी होता है वो किसी ना किसी अच्छे रीजन के लिए ही होता है। आप जो भी कर रहे हो, लेट इट बी आप गलत कर रहे हो, बट स्टिल उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। हमेशा बी पॉजिटिव, और जो आपको करना है वही आप कीजिए, किसी और का मत सुनिएगा लाइफ में, क्योंकि बाद में आप नहीं बोल सकते कि इन्होंने ऐसा बोला था इसलिए आपने वो चीज़ नहीं की। सो ऑलवेज जो आपको चाहिए वही करना, एक ही लाइफ मिली है जीने के लिए, अच्छे से जी लेना। सो गाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा शिवम बगाड़े जी का, वो कहते हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर राइड्स, एग्जाम्पल रूट, वेयर टू स्टे, वॉट थिंग्स यू टेक इन पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स। तो शिवम भाई यार, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें हैं मेरे लॉन्ग राइड्स के लिए, जैसे कि जो भी आपको जैकेट चाहिए, पैंट चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, वो सब सेफ्टी चीज़ें, वो लेता हूँ मैं सब अपने साथ में। उसके बाद जो भी मुझे क्लोथ्स चाहिए वो रहेंगे सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है मेरे जो भी कैमरे सारे, वो सब मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। एंड जो फोर्थ मेरी पैकिंग रहती है वो है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए गाइज बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेके जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए मेरी जस्ट दो तीन ही रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट चीज़ रहती है मेरी इमरजेंसी के लिए कि टोरो, जिससे आप अपने गाड़ी से दूसरे जो भी आपके साथ आ रहा है उसकी गाड़ी को आप टो कर सको, मतलब आपकी गाड़ी ख़राब होती है या फिर उसकी ख़राब होती है, आप एक दूसरे की गाड़ी को टो कर सको, तो टो रोप रहती है मेरे साथ हमेशा। उसके बाद सेकंड रहता है जिप टाई और फेविक्विक, जिप टाई अगर कुछ टूट जाता है उसको बांधने के लिए, और फेविक्विक कुछ चिपकाने के लिए। जो फोर्थ चीज़ है वो मेरे साथ रहती है हमेशा एंड हमेशा, वो रहता है चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर, दैट्स इट। मैं बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं पूरी राइड कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि आप जितना सामान लेके आप जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगा, आपका सामान उतना बढ़ेगा, आपका वेट उतना बढ़ेगा गाड़ी के ऊपर। सो दैट्स वाई मैं ट्राई करता हूँ कि जितना कम से कम मैं सामान लेके जाऊँ उतना लेके जाता हूँ। पैनियर्स में मेरे कपड़े रहते हैं और जो भी कुछ हेवी सामान है वो रहता है। एंड जो टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स में जस्ट एंड जस्ट मेरा लैपटॉप रहता है, बाकी कुछ भी उसमें मैं नहीं रखता। और जैसे ही मैं गाड़ी से कहीं पे उतरता हूँ तो वो टॉप बॉक्स में मेरे हेलमेट चले जाते हैं और जो बैग है वो मेरे पीठ के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से मैं ट्रैवल करता हूँ। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकर बॉय यश का, 21, बाइकर बॉय यश 21। तो वो कहते हैं कि नेपाल राइड से काय झालं, मीन्स नेपाल राइड का क्या हुआ। तो भाई ये हो गया नेपाल राइड का जो मेरे साथ दोस्त आने वाले थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं उनके राइड के लिए, तो यस मैं रह गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन वुल्फ 08 से, तो वो कहते हैं कि वेयर डू यू लिव इन मुंबई। तो भाई मैं मुंबई में उल्लासनगर में रहता हूँ, उल्लासनगर कैंप नंबर 4 में मैं रहता हूँ। उसके बाद है अमृत 12359, तो वो कहते हैं कि एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया। भाई एक्चुअली इलेक्ट्रिक चीज़ों के अभी तक इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी है, उसकी वजह से उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, वो है उनकी रेंज। उनकी जो रेंज है वो बहुत ही कम रहती है। अगर वो रेंज बढ़ जाए, जैसे कि अपनी फुल टैंक में अपना जो किलोमीटर्स जाती है कार या फिर बाइक, अगर वो अपने को इलेक्ट्रिक में मिल जाए ना बॉस, तो मजा आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिम शाडी से 777, नेपाल भूटान सोलो राइड करना। शाडी एक्चुअली लॉन्ग राइड्स जो भी है मैं सोलो नहीं करना प्रेफर करता, क्योंकि मैं राइड सोलो कर लूँगा नो डाउट, राइड तो मैं आराम से सोलो निकाल लूँगा, लेकिन जो नाइट का है ना, नाइट में होटल में अकेले एक अनजान जगह पे अनजान होटल में अकेले रहना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मैं कभी भी सोलो नहीं जाता हूँ राइड के ऊपर। राइड कर लूंगा बट जो होटल में रात को रुकना है ना अकेले, वो मेरे से नहीं होता सो दैट्स व्हाई।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषित शर्मा 26 से, उनके तीन क्वेश्चन है भाई। आपको सुपर स्पोर्ट्स में कौन सी ड्रीम बाइक है? अपनी सुजुकी की हायाबुसा, वही बेस्ट बाइक है यार फिलहाल तो, ड्रीम बाइक है अपनी। शर्मा जी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टूरिंग में कौन सी ड्रीम बाइक है? गाइस शायद से आपको झटका बैठ सकता है अभी जो मैं आंसर देना हूँ उससे, क्योंकि मैं ट्रायम्फ या फिर बीएमडब्ल्यू का नाम नहीं लेने वाला हूँ। मेरी जो ड्रीम बाइक है फॉर द टूरिंग वो है होंडा का अफ्रीका ट्विन। भाई मुझे वो बाइक बहुत पसंद है, क्लच नहीं है, गियर नहीं है, भाई मुझे वो बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, वही मेरी ड्रीम बाइक है। मैं कभी भी अगर सपोज मैं बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं होंडा का अफ्रीका ट्विन ही उठाऊंगा, बेस्ट बाइक। एंड शर्मा जी का एक थर्ड क्वेश्चन है कि आपको नेकेड में कौन सी पसंद है? तो नेकेड में मुझे ड्यूक पसंद है, ड्यूक हर किसी को पसंद है नेकेड सेक्शन में। आई गेस कि अभी ड्यूक का न्यू मॉडल भी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन पाटिल 55 का, तो वो पूछते हैं कि When did you start riding and who is your inspiration? तो भाई नयन, मैं बहुत पहले से ही लॉन्ग राइड्स कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैंने जस्ट फॉर द यूट्यूब या फिर जस्ट फॉर द पॉपुलरिटी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं बहुत पहले से राइड्स करता था, मैं अपने कॉलेज डेज से बाइक के ऊपर घूमना मुझे बहुत पसंद था। महाबलेश्वर ना जाने नगर वो या फिर अहमदनगर हो, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पे गए हूँ अपने बाइक को लेके, उसके सब फोटोज मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे है। गाइज मैं किसी इंस्पिरेशन की वजह से यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, यूट्यूब पे मैं आया हूँ किसी और चीज़ की वजह से। एंड यस वो चीज़ मुंबई कर निखिल एमएन उससे ही रिलेटेड है। अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ भी आप सबको बताना चाहिए कि मैं YouTube पे क्यों आया, मैं ये जो सब राइड्स आपको दिखाता हूँ, ये जो इतना लंबा लंबा घूमता हूँ, ये क्यों घूमता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ गया है आप सबसे शेयर करने का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये सब सुनना है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम आरताफ से, वो पूछते हैं कि भाई कैन आई ज्वाइन यू ऑन नेक्स्ट राइड एंड आपके साथ अगर राइड करूंगा तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इब्राहिम भाई आप डेफिनेटली मेरे साथ राइड कर सकते हो, नॉट ओनली इब्राहिम भाई, जो भी है जो भी ये वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हैं और उनको मेरे साथ राइड करना है तो डेफिनेटली गाइज आप सब मेरे साथ राइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। जस्ट आपने अभी तक कहाँ कहाँ पे राइड किया है उसके फोटोज मुझे भेजिए एंड अगर मुझे लगता है कि आप मेरे साथ राइड करने के लिए सही हो तो ही मैं आपको लेके जाऊंगा। बाकी कोई भी चीज़ें की आपको जरूरत नहीं है, आप बस मुझे आप दिखा दीजिए कि आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो एंड मैं आपको अपने राइड के ऊपर लेके जाऊंगा। तो गाइस यही थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो मुझे मिले, बाकी भी और दो चार क्वेश्चन थे बट वो डोमिनर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड थे यार, तो उसके लिए मुझे वीडियो पे रिप्लाई करना अच्छा नहीं लगता। गाइस अगर आपके डोमिनर में जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ गो टू द सर्विस सेंटर और उन्हीं से वो सब ठीक करवा लीजिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे जस्ट एंड जस्ट गाड़ी के ऊपर बैठ के उसे चलाना आता है, उसके बारे में वो क्यों खराब हो रहा है, उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मुझे कुछ पता नहीं रहते, क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे बस इतना समझ में आता है बाइक को कैसे चलाना है, कैसे लॉन्ग राइड करना है, कैसे खराब रास्तों पर गाड़ी चलाना है, तो मैं उसमें प्रोफेशनल हूँ। आप मुझे क्वेश्चन उसके बारे में पूछिए प्लीज़, जो भी अगर आपको डोमिनर में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर जो भी आ रहे उसे मुझे हिट मत कीजिए प्लीज़, बस उतना मेरे लिए कर लीजिए। एंड यस गाइस ये जो है बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आई गेस कि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक के एंड तक इसके जो टाके हैं वो निकल जाएंगे एंड उसके बाद शायद से और एक आधा वीक में मैं बाइक के ऊपर बैठ जाऊंगा। मुझे बहुत जल्दी है यार बाइक के ऊपर बैठने की और एक लॉन्ग राइड करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन गाइज, होप आपको पसंद आया होगा एंड आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय गाइस।